बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा मम्मी डोसा बना दो, तो मैंने आप लोग के लिए भी डोसा बनाया। चलो आप लोग के लिए भी बता देती हूँ बनाना कैसे, किन किन चीज़ों का हमें ज़रूरत लगेगी डोसा को वो दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, हमने इस कप से दो कप या बाउल कटोरा जो भी आप जिससे लेना है, तो दो कटोरी ले लें या दो बाउल। इस तरह से हमने दो कप इस कप से चावल लिया। हमने देखिए मोटे वाला चावल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चावल ले लीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये दो कप चावल हमने ले लिया इस कप से। और आधा कप यहाँ पर देखिए हमने उड़द दाल लिया है, और दो टेबल स्पून यानी जो है बल्कि हमने चना दाल लिया है, 1 टीस्पून हमने लिया मेथी दाना, और 2 टीस्पून हमने लिया पोहा। ये बाद में जाएगा, और ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी। आप चाहिए तो ये मेथी को अलग से भिगो के डालिए, कोई मसला नहीं, मैं साथ में डाल दूंगी। और यहाँ पे चना दाल डाल देंगे, और जो है उड़द दाल और मेथी भी डाल दूँगी मैं, आप चाहिए तो अलग से भिगा के डालिए। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ। तो इसको मैं 5 से 6 घंटा छोड़ दूंगी भिगा के, या तो फिर ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए, रात को भिगा दीजिए, सुबह पीस के फिर आप 5-6 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, अच्छी जगह रखेगी तो ये फर्मेंट हो जाए। तो चलिए मैं इसको 5-6 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए 5 घंटा हो गया, ये अच्छे से फूल गया है, दाल वगैरह मेथी वगैरह दाल चावल मेरे अच्छे से फूल गए। तो अब इसमें डाल देती हूँ पोहा। पोहा को एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। हमने इसमें 2 टेबल स्पून पोहा डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं जो है ग्रेटेड नारियल, ये देखिए सूखा नारियल का, ये देखिए घिसा हुआ है, ये ऐसे मार्केट में मिल जाता है लच्छा वाले नारियल, तो मैं इसको भिगा दूंगी और इसकी चटनी बनाऊंगी। अगर आपके पास ताज़े नारियल है तो उसकी भी चटनी आप बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही चटनी बनती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 हरी मिर्ची ली, थोड़ी से 1 टीस्पून हमने धनिया ले लिया। इसको जो है भिगा देती हूँ पहले, इसकी चटनी बना लेती हूँ। यहाँ पे भी इसको हमने देखिए भिगा दिया है पानी से, अब इसको छोड़ दूंगी, बाद में चटनी बनाऊंगी। इसमें से हमने पूरा पानी निकाल दिया, अब इसको हम जो है मिक्सी जार में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी, ताज़ा पानी डालिएगा अगर हो सके तो ठंडा पानी डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा आपका जो है बैटर तैयार होगा, और जल्दी से इसमें खटा और वो जो थोड़ी सी स्मेल आती है ना वो नहीं आएगी, जब आप इसको 2-3 दिन अगर आपका बैटर बचता है और रखेंगे तो। ओके चलिए मैं इसको जो है पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको पीसा है, मैंने अभी आधा ही से पीसा है, आपको दिखा देते हैं इसके। ये देखिए एकदम बिल्कुल दाना नहीं, बहुत स्मूथ है, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। तो चलिए मैं इसको साइड में निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, और इसको बाकी के जो बच्चे हुए हैं उनको भी पीस लेती हूँ। आप देख सकते हैं ना कितना मस्त है माशाल्लाह से। चलिए ये देखिए इस तरह से सिकंदर है, ये देखिए ठीक है। तो अब क्या करूँगी, जो जार में थोड़ा सा लगा है बैटर में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आधा कप के आसपास पानी डाल के इसको मैंने धुल लिया है, ताकि थोड़ा सारे जो है निकल जाए, कुछ जाया ना जाए। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिला के मैं फिर ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ पे ये परमानेंट हो जाए 5 घंटे के बाद, या फिर आप फौरन बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें या इस स्टेज पे आप बना सकते हैं, बिल्कुल इतना ही गाढ़ा आपको बैटर, उसके बाद देखते हैं अगर हम परमानेंट करेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगेगी पानी तो हम मिलाएँगे, नहीं तो नहीं मिलाएँगे। तो चलिए इसको मिला के हम अलग रख देते हैं गर्म जगह पे 5 घंटे के लिए। तो ये देखिए इतना सारा ही जो है डबल हो जाएगा, जब ये परमानेंट होगा तो इतना आएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी कितना डबल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चटनी बना लेती हूँ। मैं तीखी वाली मिर्ची नहीं ली हूँ, अगर आप तीखी वाली मिर्ची ले रही हैं तो एक ही मिर्ची लीजिएगा, और यहाँ पे हमारी तीखी वाली नहीं है, तो मैं 3 मिर्ची ली हूँ और थोड़ी सी धनिया, और यहाँ पे चला जाएगा मेरा नारियल, भीग चुका है अच्छे से, और इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। तो ये देखिए हमारी जो है नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है, इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया, ग्रीन हल्का सा ग्रीन। तो इस तरह से चटनी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए जो है लिया है कि कड़ी पत्ता है 10 से 15, और 1 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून चना दाल। तो ये नारियल पर तड़का जाएगा, फिर तड़का लगाने लें। तो यहाँ पर देखिए तेल रखा है, तेल गर्म हो गया, तो अब इसमें डाल दूँगी मैं चना दाल और उड़द दाल, दोनों चीज़ डाल देंगे अच्छे से, थोड़ा से इसको जो है लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए।
तो ये देखिए यहाँ पे चना दाल और दाल अच्छे से हो गया। अब इसमें डाल देती हूँ राई, राई तड़कने लगा, अब इसमें डाल देती हूँ करी पत्ती। यहाँ पे तीस बटन एक चिटकी इसमें नमक डालूंगी ताकि जो है राई जो है तड़के ना। मुझे पहले डालना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। आप लोग पहले ही एक चिटकी नमक डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे नारियल की चटनी रेडी हो चुका है। ये देखिए 4 से 5 घंटा हमने इसको रखा, ये फर्मेंट हो चुका है माशाल्लाह से। आपको देख सकती हूँ ये देखिए, ये जाली देखिए ना, एकदम पास से दिखा रही हूँ आपको, देखिए। तो अगर आपको फैमिली बड़ी है आपकी तो आप पूरे के बना लीजिए, नहीं तो फिर इसको जो है आप फ्रिज में स्टोर और स्टोर करके 3 से 4 दिन रख सकती हैं। और मैं आधा बनाऊंगी तो आधा मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब इसमें अब मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने आपने ध्यान दिया होगा मैंने नमक पहले नहीं डाला था। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच शक्कर। इसे क्रीम राइस बहुत अच्छा गोल्डन कलर आता है, तो आप स्वाद अनुसार नमक अपने हिसाब से डालिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको फेंट लेती हूँ। अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो पानी डालिएगा, वैसे मुझे मेरा बैटर बहुत सही है, मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल इतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नमक चेक कर लिया, माशाल्लाह नमक परफेक्ट है, आप देख सकती हैं इसकी रनिंग देखिए, बिल्कुल इतने ही हमको बैटर पतला चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपका जोर सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने आयरन का यानी लोहे का तावा रखी हूँ, इसमें बनाने वाली हूँ। और इस पर आप जिसे चिपकता है ना तो आप नॉन स्टिक में भी बना सकती हैं, और जिससे इसमें आप प्याज रगड़ दीजिएगा तो बहुत अच्छा ये नॉन स्टिक बन जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं प्याज रगड़ रही हूँ ना, आपको दिख रहा है ना प्याज, तो इससे बहुत अच्छा नॉन स्टिक आपका तावा बन जाएगा आयरन का। तो चलिए मैंने तावा रखा, वो एकदम बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। कांदा लगा के थोड़ा सा हमने तेल लगाया है और अब पानी डाल दिया थोड़ा सा, पानी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको जो है साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। और अब इस पर हम 2 कलछियाँ बैटर डालेंगे इस तरह से, चम्मच आप कोई भी ले लीजिएगा, ये देखिए। और फिर इसको गोल गोल आपको घुमाना है, ये देखिए। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तो अब यहाँ पे मैं जो है तेल घी आप जो भी आपके पास है आप डालिए, थोड़ा सी हो गया है 2 साइड से हम इसमें डाल देते हैं। इसको होने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइड से जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। माशाल्लाह से ये हो गया है, ये देख सकते हैं आप, बहुत माशाल्लाह से क्रिस्पी मेरे डोसे बने हैं। ये आवाज़ सुनिए इसकी, चलिए